हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर, और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑलवेज कीप योर फेस टुवर्ड्स सनशाइन एंड द शेडोज विल फॉल बिहाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपना सूरज की तरफ मुंह रखने का मतलब क्या है कि आप अपने सफल होने के तरफ कदम बढ़ाते रहिए, प्रयास करते रहिए, और जो लोग भी आपके निंदक हैं, जो लोग भी आपकी आलोचनाएं करते हैं, जो भी आपने असफलताएं झेली हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहिए, बाकी चीज़ें सब पीछे छूट जाएंगी। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Reduced river flows and falling water tables have made the summer harsher. बोल रहे हैं जिस तरीके से बरसात का पानी, अब नदियों में क्या होता है, बरसात का पानी आता है नदी नालों से इकट्ठा होकर पहाड़ी इलाकों में, जो बारिश होती है उसका पानी, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में बारिश नहीं होगी तो नदियों में पानी का बहाव कहाँ से आएगा, फ्लो कहाँ से आएगा। तो बोल रहे हैं जो नदियों में पानी के बहाव की कमी हुई है और जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें कमी आई है, इससे जो ये इतनी गर्मियां हैं वो और ज़्यादा हार्श हो गई हैं, और ज़्यादा गंभीर हो गई हैं इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। ठीक है, इन कर्नाटका द सीजन बिगैन अर्ली। बोल रहे हैं कर्नाटका में गर्मियों की शुरुआत थोड़ी जल्दी ही हो गई, इन मार्च के महीने में शुरुआत हो गई। व्हेन द ड्राउट, जब ड्राउट यानी कि सूखा, विच कैरिड ओवर फ्रॉम लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल से कंटिन्यू हुआ, क्रिएटेड एंड एग्रेवेटेड वाटर क्राइसिस, इसने एक वाटर क्राइसिस उत्पन्न किया और ज्यादा गंभीर कर दिया इन द स्टेट्स कैपिटल बेंगलुरु, स्टेट के कैपिटल सिटी बेंगलुरु में। इन दिल्ली द स्क्रॉचिंग टेम्परेचर्स हैव लेड टू अ सिमिलर इमरजेंसी। वहीं दिल्ली में जो चिलचिलाती वाली, झुलसा देने वाली जो गर्मी है, उसने ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी है। री इग्नाइटिंग एन ओल्ड डिस्प्यूट ओवर वाटर एलोकेशन टू द कैपिटल, और जिसने रीइग्नाइट यानी कि पुनर्जीवित किया किस चीज़ को, एक बहुत पुराना एक मतभेद था, बहुत पुराना एक डिस्प्यूट था पानी के एलोकेशन को लेके, कि देश की कैपिटल को कितना पानी मिलना चाहिए। लास्ट मंथ द दिल्ली गवर्नमेंट मूव टू सुप्रीम कोर्ट। बोल रहे हैं कि पिछले महीने दिल्ली गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गई, सीकिंग एन इंक्रीज शेयर ऑफ द यमुना वाटर, और वो चाहती थी कि उनको यमुना के पानी का और ज़्यादा हिस्सा मिले। इन रिस्पॉन्स ऑन जून 6, इसके रिस्पॉन्स में 6 जून को द कोर्ट आस्क्ड हिमाचल प्रदेश टू रिलीज 137 क्यूसेक ऑफ वाटर। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को आदेश दिया कि वो 137 क्यूसेक पानी छोड़े। इट ऑल्सो डायरेक्टेड टू फैसिलिटेट हरियाणा टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ दिस वाटर टू द NCR। उनने हरियाणा को भी निर्देश दिए कि भाई आप इस पानी को बहने दें NCR की तरफ, आप इसको रोकें नहीं। हाउएवर दिल्ली गवर्नमेंट हैज कंप्लेन दैट द नेबरिंग स्टेट इज नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्टिव। वहीं दिल्ली सरकार ने शिकायत करी कि भाई हरियाणा जो है वो इस आदेश को मान नहीं रहा। व्हाइल हरियाणा कंटेंड्स दैट द वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड इन ट्रांजिट, लेकिन हरियाणा का ये कहना है कि भाई ये जो पानी है वो गर्मी की वजह से भाप बन के उड़ जा रहा है। ठीक है, विद द वर्ल्ड वार्मिंग अप, अब जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा गर्म हो रही है, द कंट्री नीड्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी टू ऑब्विएट सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देश में हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से, मतभेद से छुटकारा पाने के लिए, एंड मेक श्योर पीपल डू नॉट सफर वाटर शॉर्टेजेस, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई लोगों को पानी की तंगी ना हो। अब पहले हम बात करते थे कि लोग दूर दूर तक जाके पानी लेकर आते थे, मीलों चल के सफर करके पानी लेकर आते थे। अब घर घर में नलके तो लग गए, लेकिन अगर उन नलकों में पानी ही नहीं आएगा तो नलकों का क्या फायदा, फिर आपको वही करना पड़ेगा कि दूर दूर तक चल के पानी भरना पड़ेगा, राइट, और पानी होगा भी नहीं, शायद मिलेगा भी नहीं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इम्पोर्टेंस टू प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस। पूरे नरेंद्र मोदी सरकार ने किस चीज के ऊपर जोर दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण समझा अकॉर्ड करना, मतलब देना, प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन, टैप वाटर के कनेक्शंस, नलकों के कनेक्शंस घर घर पहुंचाना उन्होंने बहुत जरूरी समझा। बट द हेल्थ ऑफ एक्वीफायर्स कंटिन्यूज टू बी निग्लेक्टेड। एक्वीफायर्स क्या होते हैं? एक्वीफायर्स होते हैं जमीन के नीचे के कुछ पत्थर होते हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, ठीक है, जिनके अंदर पानी परमिएबल रॉक होते हैं, जिनके अंदर से पानी फिल्टर होके, जिनके अंदर से पानी रिस के जमीन के अंदर जाता है। तो बोल रहे हैं कि उनकी हेल्थ भी तो देखनी पड़ेगी, कितना पानी वो एक्वीफायर्स ले पा रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमने सिस्टम बनाए नहीं हुए भरपूर मात्रा में,
The country has historically tried to address water deficits by focusing on supply side parameters. बोल रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर, यानी कि हिस्ट्री की अगर बात करें, इससे पहले जब कभी भी ऐसी कोई समस्या हुई है उसको देखें, तो हमने हमेशा वाटर की कमी को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी है, सप्लाई साइड पैरामीटर्स के जरिए. यानी कि सप्लाई साइड में हम पानी का सप्लाई कम कर देते हैं, एक घंटे के बजाय आधा घंटा पानी छोड़ेंगे, या कितना क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, कितना गैलन पानी छोड़ेंगे, इस तरीके की वो मेजर्स लेते हैं. इन लाइन विद सच एन अप्रोच, और इसी के तहत, इसी के अनुसार, द सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट्स टू प्रिपेयर इन्वेंट्रीज ऑफ वाटर बॉडीज एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग द इनक्रोचमेंट ऑफ दीज एक्वाफर्स. बोल रहे हैं तो इसी के अनुरूप, इसी के लाइन में सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है, आदेश दिया है कि वो भी सूची बनाए, इन्वेंट्रीज मतलब लिस्ट बनाए वाटर बॉडीज की, कि भैया हमारे पास कौन कौन से जल स्रोत हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे पास कनेक्शन, सबकी लिस्ट बनाए. और फिर ये पहला कदम होगा, और दूसरा क्या होगा साथ में, कि जो एक्वीफायर्स की इंक्रोचमेंट है, यानी कि इंक्रोचमेंट मतलब उनका अतिक्रमण है, एक्वीफायर्स के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको रोकने के लिए. मच मोर नीड्स टू बी डन टू टैकल लॉन्ग स्टैंडिंग शॉर्टफॉल्स. और भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, ये लंबे समय से जो कमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है. देयर इज वेरी लिटिल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स दैट डील विद सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, इरीगेशन रिसोर्सेज एंड ड्रिंकिंग वाटर. बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर में, जो कि सरफेस वाटर से, ग्राउंड वाटर से, इरिगेशन रिसोर्सेज से, ड्रिंकिंग वाटर से, किसी भी डिपार्टमेंट से डील करते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में आपस में तालमेल नहीं है. द फ्यू वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन रिवराइन स्टेट्स कम अपार्ट ड्यूरिंग शॉर्टेज सीजन्स. बोल रहे हैं कुछ ये जो पानी के शेयर करने के जो अरेंजमेंट्स हैं, प्रावधान हैं, इसके बीच में रिवरेन नदी से जुड़े हुए स्टेट्स के बीच में कम अपार्ट, ये कभी कभी टूट जाती है. कैसे? जब पानी की कमी होती है. अभी तो दिल्ली ने कभी हंगामा किया नहीं, लेकिन अब पानी की कमी होगी तो उनको परेशानी हुई है ना, तो फिर समस्या उत्पन्न हो गई, तब दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं. एंड प्लान्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर रिमेन लार्जली ऑन पेपर. और जितने भी प्लान्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के, वो अभी तक कागजी कार्रवाई ही बनकर रह गए हैं, डिस्पाइट फ्लड्स एंड ड्राई स्पेल्स अल्टरनेटिंग विद वरिंग इरेगुलरिटी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और हालांकि ये तब है, ये हाल हमारे देश का तब है, कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर अभी हमने कोई एक्चुअल एक्शन नहीं लिया, जब हम अल्टरनेटिंग वजहों से, अल्टरनेटिंग समय पर कभी फ्लड्स देखते हैं, कभी सूखा देखते हैं, और ये निरंतर हमारे देश में रेगुलरली चला हुआ है, चिंता का कारण बना हुआ है. इन रीसेंट ईयर्स, अभी हाल के कुछ सालों में, प्रोग्राम सच एज द साही फसल कैंपेन. बोल रहे हैं पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि साही फसल कैंपेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड अटल भूजल योजना हैव टेकन अर्ली स्टेप्स टू एनकरेज एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर. इनमें कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने एग्रीकल्चर में पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के ऊपर जोर दिया. ऑप्टिमल यूज ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज इज एसेंशियल. बोल रहे हैं इरिगेशन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. हाउएवर डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिसेस एट द हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल लेवल. लेकिन अभी हमने बात करी कि सप्लाई साइड से हम मैनेज कर रहे हैं, अब डिमांड साइड पर भी हमें वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा, जिसके लिए पहले एनालिसिस यानी कि जांच पड़ताल, उसका पूरा आंकलन करने की जरूरत है, चाहे वो हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस हों या इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हों. ठीक है, तो हम हर जगह पे डिमांड साइड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें पहले जांच पड़ताल, पूरा उसका एनालिसिस करना चाहिए. करेंटली द डेटा ऑन पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी फॉर डिफरेंट यूजर्स इज स्केची. बोल रहे हैं कि अभी जो डेटा है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि प्रति व्यक्ति वाटर कितना अवेलेबल है, उसका जो डेटा है वो स्केची है. स्केची है मतलब इनकम्प्लीट है. इमरजेंसी सच एज लेटेस्ट शॉर्टेज इन दिल्ली यूजुअली प्रेसिपिटेट नी जर्क रिस्पॉन्सेज सच एज इम्पोजिंग फाइन्स फॉर वेस्टिंग वाटर. बोल रहे हैं अगर कभी ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं, जैसे कि अभी दिल्ली में, इस वक्त दिल्ली में पानी की शॉर्टेज हुई है, इससे क्या होता है, उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, नी जर्क मतलब इमीडिएट कुछ हम कार्य करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं, जैसे कि हम इमीडिएटली
डायरेक्टली वहां पे फाइन्स लगा देते हैं कोई भी पानी वेस्ट करता हुआ पकड़ा गया तो. व्हेन द नीड इज टू इंसेंटिवाइज वाटर कंजर्वेशन, जबकि समय की जरूरत यह है कि जो लोग वाटर कंजर्वेशन करते हैं, जो लोग पानी को रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि और लोग भी उससे प्रेरित हों. With climate vagaries imperiling the country's already stressed aquifer, और बोल रहे हैं जिस तरीके से क्लाइमेट की vagaries मतलब अनिश्चितता, imperil मतलब खतरे में डालना, तो जिस तरीके से क्लाइमेट में जो अनिश्चितता है वो हमारे देश की already stressed, already जो तनाव में चल रहे हैं aquifers उनको और ज़्यादा परेशान करता है और ज्यादा खतरे में डालता है. द न्यू गवर्नमेंट शुड हिट द ग्राउंड रनिंग, तो जो नई सरकार आएगी उनको हिट द ग्राउंड रनिंग मतलब प्रभावी ढंग से काम शुरू करना चाहिए. तो ये था पैसेज. दिल्ली में पानी की कमी हो गई है जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल और हरियाणा को आदेश दिया, हिमाचल को आदेश दिया कि भाई पानी छोड़ो, 137 क्यूसेक पानी छोड़ो, और हरियाणा को बोला कि भाई आप सीधे तौर पर उनके पास पानी आने दो. तो फिर उसके बाद दिल्ली दोबारा पहुंचा कोर्ट और उसने बोला कि भाई हरियाणा जो है वो आदेश का पालन नहीं कर रहा क्योंकि हिमाचल ने तो पानी छोड़ दिया लेकिन उनको लग रहा है कि हिमाचल हरियाणा ने पानी रख लिया. लेकिन हरियाणा बोल रहा भाई हमने कुछ नहीं किया, पानी जो है रास्ते में उड़ जा रहा है, हवा में उड़ जा रहा है भाप बन के. तो फिर उसके बाद में उन्होंने आगे की प्रक्रिया समझाई कि भाई धरती गर्म हो रही है इसलिए पानी उड़ जा रहा है भाप बन के, और धरती ही गर्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, हमने इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन कर दिया है उसकी वजह से हमारे एक्वीफायर्स जो हैं वो भी सूख चुके हैं, उनके अंदर भी पानी रसने जितना पानी नहीं पहुंच रहा, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो भी रिड्यूस हो रहा है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो बताया गया. तो जो पैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा, देखो क्रिटिकल, यहाँ पर किस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, ठीक है, ये एक सावधानी, ये एक अल्टीमेटम है कि भाई आप सचेत हो जाओ, आप कुछ कदम अभी भी उठा सकते हो उनको करो, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर क्राइसिस इन कर्नाटका एंड दिल्ली. बोल रहे हैं क्या मुख्य कारण है कर्नाटका और दिल्ली में वाटर क्राइसिस का. तो हमने सारा जो एक्वीफायर्स का पानी है वो यूज कर लिया, हमने उसको उसको ज्यादा ओवर यूज कर लिया, उसके बाद हम बारिशें कम हो रही हैं, तो बारिशें कम हो रही हैं तो ना तो नदियों में पानी आ रहा है ना एक्वीफायर्स में पानी पहुंच रहा है, ठीक है. एक्सेसिव मॉनसून रेन्स लीडिंग टू द ओवरफ्लो ऑफ वाटर बॉडीज एंड फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज, इनकरेक्ट है. अगर बारिश थोड़ी बहुत भी हो जाती तो भी हमारे एक्वीफायर्स थोड़ा बहुत रिचार्ज हो जाते. ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम्बाइंड विद इनसफिशियंट रेन लीडिंग टू रिड्यूस्ड रिवर फ्लोज एंड फॉलिंग वाटर टेबल्स. बोल रहे हैं कि हमने ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर लिया, साथ ही साथ बारिशें कम हो रही हैं जिसकी वजह से रिवर फ्लोज कम हो गए हैं और जो वाटर टेबल है वो भी गिरता जा रहा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why does the passage suggest that long-term water policy is essential for India? क्यों है long-term water policy essential? क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है साल दर साल इस तरीके के हालात बढ़ने के चांसेस हैं, कम नहीं होने के चांसेस हैं. अगर हम अभी नहीं सुधरे तो और ज़्यादा हालात खराब ही होंगे. तो फिर हर छोटे मसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और क्या पता कल को कोई स्टेट माने नहीं माने. अभी तो चलो फिर भी पानी था हिमाचल के पास तो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है. कल को जब हिमाचल के पास ही पानी नहीं होगा तो वो कहाँ से पानी देंगे, राइट. तो और हरियाणा फिर बीच में उनके पास भी पानी नहीं होगा तो वो तो इस वक्त तो बोल रहे हैं कि भाई हवा में उड़ गया पानी, भाप बन के उड़ गया, लेकिन बाद में वो बोलेंगे नहीं हमें भी जरूरत है हम भी रखेंगे, ठीक है. तो ये परेशानियां आगे से आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है. टू इंश्योर इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर एलोकेशन. देखो एज सीन विद दिल्ली एंड हरियाणा, अब हर स्टेट, दिल्ली एक छोटा स्टेट है, ठीक है. वहीं अगर बात करें हरियाणा, हरियाणा भी छोटा स्टेट है लेकिन इससे बड़ा है. वहीं बात करें उत्तर प्रदेश, वो और भी ज़्यादा बड़ा है. तो क्या जितना दिल्ली में पानी चाहिए उतना पानी उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी होगा? दिल्ली में इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर नहीं होता. उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर भी होता है, इंडस्ट्रीज भी होती है, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं, ठीक है. तो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में क्या बराबर पानी चाहिए? नहीं ना. तो इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता, ठीक है. उसके बाद में कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए इक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करें ये जरूरी नहीं है. हर स्टेट को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही पानी लेना चाहिए और मिल सकता है, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं मिल सकता. बराबरी के चक्कर में अगर दिल्ली को चाहिए 137 क्यूसेक पानी और मान लो उत्तर प्रदेश को चाहिए 200 क्यूसेक पानी, तो बराबरी के चक्कर में हम दिल्ली को 200 क्यूसेक पानी दे दें तो किसी और स्टेट में हो सकता है कि यहाँ पे 200 क्यूसेक था यहाँ पे अब 170 मिल रहा है,
तो इनमें इनके पास कमी हो जाएगी, लेकिन हमने तो बराबरी की बात करी थी कि भाई बराबर मिलना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है। टू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चरल वाटर नीड्स ओवर अर्बन रिक्वायरमेंट्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि भाई शहरी ज़रूरतों के को नज़रअंदाज करके हम एग्रीकल्चर वाटर की जो ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकता दें, इनकरेक्ट है, ताकि फूड प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ये इनकरेक्ट है। टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज एंड रिजर्वर्स अक्रॉस द कंट्री, तो आप वो कैसे कर सकते हैं? आप वो तभी कर सकते हैं ना जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लगाएंगे। आप वाटर बॉडीज में रिजर्वर्स को बढ़ाने से, रिजर्वर्स की संख्या बढ़ाने से, वाटर बॉडीज की संख्या बढ़ाने से ऐसे ही पानी तो इकट्ठा नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। और रेन हो ही नहीं रही, वही तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस वक्त में कि बारिश हुई नहीं। टू एड्रेस बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड पैरामीटर्स, की दोनों हमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड पैरामीटर्स को एड्रेस करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी क्या है, ये सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिंग वाटर शॉर्टेजेस। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना ज़रूरी है कि भाई पहले तो सप्लाई साइड डिमांड साइड दोनों पैरामीटर्स को एड्रेस किया जाए, ठीक है, उसके बाद में ये सुनिश्चित किया जाए कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल है। तीसरी चीज़, वाटर की कमी को प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए, उससे बचा जाए। इन सब के लिए हमें लॉन्ग टर्म वाटर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाई हैव वाटर शेयरिंग arrangements between riverine states in India been ineffective during shortage season? तो नदी से जुड़े हुए जो states हैं, नदी से संबंधित जो states हैं, उनमें water sharing arrangements जो हैं वो क्यों गैर प्रभावी हो जाता है, ineffective हो जाता है जब बारिश कम होती है उन seasons के दौरान में? तो क्योंकि हर एक स्टेट को अपनी ज़रूरतें चाहिए, ठीक है, वो कोऑपरेटिव वे से वाटर मैनेजमेंट करने को तैयार नहीं होते। फिर वो उस टाइम पे जब कमी होती है किसी चीज़ की, तब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ता है, ठीक है। स्टेट्स प्रायोरिटाइज देयर ओन नीड्स ओवर कोऑपरेटिव वाटर मैनेजमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क इनफोर्सिंग वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, कोई कानूनी ढांचा भी नहीं है, ठीक है, ये तो हम कह नहीं सकते वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। कुछ तो प्रक्रिया होगी ना कि इतना उनको हर वक्त छोड़ना है, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो और छोड़ देंगे पानी, कुछ तो प्रक्रिया होगी। स्टेट्स हैव सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज एंड डू नॉट सी द नीड टू शेयर, इनकरेक्ट है। ऐसा किसी भी स्टेट के पास में, कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास भरपूर मात्रा में पानी है, मेरी जरूरत हो सकती है पूरी, मुझे बाकियों के साथ में शेयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और से लेने की भी जरूरत नहीं है, इनकरेक्ट है। द अरेंजमेंट्स कम अपार्ट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, बोल रहे हैं ये अरेंजमेंट इसलिए टूटता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर प्लानिंग की कमी है और कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो देखो ये एक कारण है लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण ये है कि भाई हर एक स्टेट को अपनी ज़रूरतें ज़्यादा उस टाइम पे प्यारी होती हैं, अपने स्टेट के लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण लगती हैं, इसलिए यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। What can be inferred from the passage regarding the Indian government's approach to solving water scarcity? पूरे हिंदुस्तान सरकार की क्या अप्रोच रही है वाटर की कमी को डील करने में? द गवर्नमेंट हैज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड डिमांड साइड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इनकरेक्ट है। बोला कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा सप्लाई साइड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, ना कि डिमांड साइड, जो कि हमें करनी चाहिए डिमांड साइड भी। There is a significant focus on maintaining and protecting groundwater sources. Incorrect है। अभी तक ऐसा कोई भी focus नहीं दिया गया जो rain water harvesting system है, जिससे ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो भी अभी तक एक्शन है वो केवल कागजी कार्रवाई है, एक्चुअल एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन वाटर मैनेजमेंट इज लैकिंग, बिल्कुल करेक्ट है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं पानी की व्यवस्था के अंदर जुड़े हुए, जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा, ड्रिंकिंग वाटर का कोई डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, तो वो सब में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तालमेल की कमी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट्स आर स्टेबल एंड इफेक्टिव ड्यूरिंग ऑल सीजन, इनकरेक्ट है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो What is the tone of the passage? Optimistic, positive तो नहीं है। Urgent
बिल्कुल अर्जेंट है, क्योंकि अगर अब हमने नहीं सुधरे, अब हमने नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो आगे ये परेशानी, अभी से फेक स्टेट ने आवाज़ उठाई है, त्राही माम की है, आगे और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इनडिफरेंट बिल्कुल नहीं है इनडिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कंसर्न दिखाई देता है, हम यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते। कंप्लेसेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कोई भावना नहीं आ रही है, अर्जेंसी की भावना आ रही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने 3 सेंचुरीज, मतलब 100 सालों का समय, तो 300 सालों का समय मतलब 300 साल। ठीक है, सफेद शासन का, श्वेत शासन का, यानी कि वहां पर 300 साल तक वाइट पीपल ने राज किया, उसके बाद में 300 साल बाद नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिन्होंने 400 में से 252 सीट्स जीती साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर। द इनॉग्रेशन सेरेमनी डैश इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो इसकी जो विक्ट्री है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, वो कहाँ हुई? यूनियन बिल्डिंग में हुई, उसके एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब ओपन एयर, जैसे कि कुछ फुटबॉल मैचेस होते हैं ना, उसमें फील्ड ओपन होती है, ओपन एयर थिएटर। आप क्रिकेट मैचेस भी देख लो, ओपन एयर ही होते हैं, ठीक है, फील्ड बीच में होती है, बाकी साइड में यहाँ पे सीट्स होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, स्टेयर के सिनेरियोज में सीट्स होती हैं, और ऊपर सारा ओपन होता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। और कहाँ पर था ये? प्रिटोरिया में आज हुई। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डैश फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो पॉलिटिशियंस आए होंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स आए होंगे, तो पॉलिटिशियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकता है, 140 देशों के पॉलिटिशियंस और रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे दुनिया भर के। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द डैश ऑफ वन बाय अनदर। बोल रहे हैं कि ये खूबसूरत देश, ये खूबसूरत धरती दोबारा कभी भी एक का दूसरे के जरिए दोहन हो सकता है, एक का दूसरे के जरिए ह्यूमिलिएशन हो सकता है, नहीं देखेगा हमारा देश दोबारा कभी भी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज डैश। उन्होंने अपने भाषण में कहा। डैश सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो बोल रहे हैं खुशी के सीन्स दिखाई दे रहे होंगे प्रिटोरिया के शहर में, उनकी सड़कों पर, जिसके बाद में सेरेमनी चल रही थी जिसमें कि काले लोग, ब्लैक पीपल, वाइट लोग, गोरे लोग और कलर्ड मतलब होता है, जैसे कि हम लोग चाइनीज लोगों को वो येलो स्किन पीपल बोलते थे, जो इंग्लिश मैन होते थे वो चाइनीज को येलो स्किन पीपल बोलते थे, जापानीज के लिए उन्होंने अलग नाम दिया है, इंडियंस के लिए अलग नाम दिया है, ठीक है, तो सबके लिए उन्होंने अलग कलर के भेद पे, नस्ल भेदी, रंग भेदी उन्होंने नाम दिए हैं, तो हर रंग के, हर रूप के लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। बोल रहे हैं 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन, चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे हों, किसी भी धर्म के, जाति के, रेसेस के हों, वो सब एक साथ गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे खुशी से। द इनॉग्रेशन सेरेमनी अब कहाँ हुई? वो इन यूनियन बिल्डिंग्स, तो टुक प्लेस, हुई, कार्य होने की बात की जा रही है, और सिंपल पास्ट में आएगा, टेकन प्लेस नहीं होगा, टेक प्लेस, टेकिंग प्लेस, टुक प्लेस, सिंपल पास्ट में आएगा, टुक प्लेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड मिजरीज। मिजरीज मतलब दुख तकलीफ, ठीक है, डिग्निटरीज मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, अलग अलग देशों के डिग्निटरीज आए थे। थेरेपीज मतलब कुछ इलाज, कुछ उपचार, एंड कमोडिटीज मतलब कुछ पदार्थ, कुछ सामान, तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिग्निटरीज इज करेक्ट। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द डैश ऑफ वन बाय अनदर। इंटरसेशन मतलब बीच में रोक देना, बीच में कहीं पे काटना, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। रेपरकर्शन मतलब परिणाम किसी चीज के, ठीक है। एक्सक्लूजन मतलब किसी को
बाहर निकाल देना, किसी को बहिष्कार करना, और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, किसी को अत्याचार करना। तो किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा ऑपरेशन नहीं देखेगा हमारा देश दोबारा कभी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, एड्रेस मतलब अपने अभिव्यक्ति, अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा, जो जनता के लिए उनका भाषण था उसमें कहा, संबोधन में, एंथम, एंथम मतलब एक राष्ट्रगान, डिस्पोजेस, डिस्पोजेस मतलब क्या होता है, संपत्ति छीनना, और कंसेशन मतलब कुछ रियायत देना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए एड्रेस इज करेक्ट। डैश सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। तो कैसे सीन्स दिख रहे थे, सबसे पहला है डेवियन, डेवियन तो मतलब होता है विचलित होना, एडामेंट, एडामेंट मतलब होता है अडिग होना, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक होना, और जुबिलेंट मतलब खुशी के सीन्स, है ना, बहुत खुश, उत्साह के। तो यहाँ पे खुशी के सीन्स दिखाई दे रहे होंगे वहां पे सड़कों पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, जो छोटा बच्चा था उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बर्थडे पे बुलाया, ठीक है। सो लिटिल बॉय क्या है, द लिटिल बॉय हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। कॉल्ड अप ये क्या है, हमारा वर्ब है, और किसको बुलाया, हिज बेस्ट फ्रेंड, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और कहाँ बुलाया, ऑन हिज बर्थडे, ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आएगा हिज बेस्ट फ्रेंड, अब क्या गया, बुलाया गया, वॉज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय ऑन हिज बर्थडे। हिज बेस्ट फ्रेंड हैज बीन नहीं आएगा, हिज क्योंकि टास्क जो है, कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसने बुलाया था, पास्ट में बुलाया था। हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज कॉल्ड अप बाय द लिटिल बॉय ऑन हिज बर्थडे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्रू अ सटल एनालिसिस वुल्फ रेजेस सर्टेन concerns regarding discrimination against women in a male dominated society. वो रहे एकदम सटीक analysis के जरिए, वुल्फ कोई व्यक्ति होंगे, उन्होंने क्या किया, उनने कुछ certain concerns, कुछ concerns उठाए, कुछ चिंताएं उठाई, किसके बारे में, regarding discrimination, महिलाओं के against में जो भेदभाव होता है एक male dominated society में, पुरुष प्रधान समाज में, उसके प्रति वुल्फ ने कुछ कंसर्न उठाए, ठीक है। अब वुल्फ कौन है हमें पता नहीं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही यहां से, ठीक है। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट, अब ये ऑल्सो है, इट्स मतलब ये, अब ये एक मतलब क्या, आप पहले जब मान लो आप किसी जगह जा रहे हो, या आपके आप कोई आइटम खरीद के लाए कि मैं एक वास खरीद, ये मैं देखो मैं एक ये वास खरीद के लाया, ठीक है, आप उसको रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे यार ये वास तो ना टूट गया, अब आप मान लो कोई व्यक्ति आपके घर में आया, आप उसको बोल रहे हो ये वास टूट गया, कौन सा वास, आपने दिखाया नहीं उसको, आप बस ऐसे बोल रहे हो यार ये वास टूट गया, ऐसे ही रैंडमली, कोई आपके हाथ में कोई वास नहीं है, वो बोले कौन सा वास, तो आप उसको दिखाओगे ना, पॉइंट आउट करोगे कि ये वास टूट गया। तो यहाँ पे इट्स मीन कि इसके बारे में पहले ही कुछ रेफर किया गया होगा, पहले कहीं मेंशन किया गया होगा, यानी कि बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वुमेन, ये महिलाओं का जो एक्सप्रेशन का, खुद को व्यक्त करने का फ्रीडम है उसके विरोध में है, एंड राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वालिटी, और महिलाओं का, किसी भी इंसान का डिग्निटी का, ह्यूमैनिटी का, इक्वालिटी का जो अधिकार है उसके अगेंस्ट में है। इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी, बोल रहे हैं इन शेक्सपियर सिस्टर, शेक्सपियर सिस्टर नाम की कोई किताब होगी, कोई पोयम होगी, कोई कहानी होगी, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ एक राइटर है, वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को, कि महिलाओं के साथ में जो इंग्लैंड का जो समाज है उसमें कितना डिफिकल्ट था उनके लिए रहना 15वीं और 16वीं सेंचुरी के दौरान में, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ का पूरा नाम, पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसको बाद में उन्होंने वुल्फ करके रेफर किया है,
ठीक है, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा. सी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसके बाद में इट इज अगेंस्ट द डिनायल ऑफ एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब ये इस कहानी की बात कर रहे हैं कि शेक्सपियर सिस्टर कहानी में क्या क्या बताया गया है. ठीक है, तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये कहानी में जो उन्होंने बताया वो इट इज अगेंस्ट. ठीक है, सबसे पहली चीज आएगी कि उसमें इस कहानी में उन्होंने बहुत बारीक, बहुत ही इन डिटेल एनालिसिस किया है किस चीज का, किस कुछ कंसर्न्स जो हैं डिस्क्रिमिनेशन के महिलाओं के अगेंस्ट एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरीके से होते हैं. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आता है जहां पे वो बोलते हैं. फिर फोर्थ पॉइंट होता है कि ये किसके अगेंस्ट है, एजुकेशन की, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, महिलाओं के अगेंस्ट में वायलेंस है, इन सब चीजों को दर्शाता है. ये हो गया थर्ड पॉइंट. और ये साथ ही साथ ऑल्सो अगेंस्ट, ऑल्सो मतलब इसके बाद में आएगा, ये और किसके खिलाफ है, महिलाओं के पास में अपने विचारों को व्यक्त करने का फ्रीडम है इसके खिलाफ है, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी और इक्वालिटी इसके खिलाफ है. ये हो गया फोर्थ पॉइंट. सो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी ए डी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को नफरत करता है, उनको अवॉइड करता है. सबसे पहले है मिसोचिस्ट. मिसोचिस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको दुख तकलीफ में रहना अच्छा लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसोचिस्ट. पर्वर्ट, पर्वर्ट वो व्यक्ति होता है जो बड़े ही गलत सेक्सुअल बिहेवियर करता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति. हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी. मिसेंथ्रोप मतलब कि एंथ्रोप, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ये होता है ह्यूमैनिटी का स्टडी, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी. ठीक है, अब मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब इंसान से रिलेटेड. मिसेंथ्रोप मतलब जो उसको नहीं पसंद करता इंसान को, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Who stole my tickets? मेरी टिकट्स किसने चुराए? तो by whom were my tickets stolen? My tickets were stolen by whom? By whom से start होगा. My tickets got stolen by who? By whom were my tickets stolen? Option C is correct. The gradual dash curtail in the expenditures made them tensed. Curtail का हमें antonym बताना है. तो curtail का मतलब क्या होता है? Curtail का मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज में रिडक्शन होना, कम हो जाना. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बढ़ जाना. इंडेंट, इंडेंट का मतलब होता है मार्जिन से थोड़ा सा ही पीछे, मार्जिन से थोड़ा सा ही हटके, राइट. इनेट मतलब पैदाइशी. इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी. इंसिन्यूएट मतलब कि संकेत करना. सो यहां पे ऑप्शन सी इंक्रीज इज करेक्ट. इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है कपटी, ठीक है, डरावना, कपटी. अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? प्रोटेक्टेड मतलब जो बचाया हुआ हो, सुरक्षित किया हो. सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित. सेफ मतलब सुरक्षित. और हार्मफुल मतलब नुकसानदायक. तो इंसीडियस जो कपटी व्यक्ति होगा वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द थीफ वॉज कॉट विद अ स्पर्यस पिकासो पेंटिंग. स्पर्यस का मतलब होता है जाली, ठीक है. तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? ओरिजिनल, ठीक है. तो जो चोर था उसको नकली पिकासो पेंटिंग के साथ में पकड़ा गया. फेक नकली, स्टोलन चुराई हुई, स्प्लेंडेड मतलब कि बहुत ही ज्यादा शानदार, और ऑथेंटिक मतलब असली. सो ऑप्शन डी ऑथेंटिक इज करेक्ट. द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड. देखो अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना. तो फ्रॉग अपने आप को गोद नहीं लेता, वो क्या करता है? अडाप्ट करता है. अडाप्ट करता मतलब ढल जाता है, जिस पानी में के अनुसार ढल जाता है. पानी में होगा तो पानी के अनुसार ढल जाएगा, जमीन पे होगा तो जमीन पे ढल जाएगा. अडाप्ट्स, अडाप्ट्स कोई वर्ड नहीं होता. ऑल्टर्स, ऑल्टर मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन लाना, ठीक है. फ्रॉग अडाप्ट्स इटसेल्फ, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अडाप्ट्स के स्पेलिंग करेक्ट है. दर्शन विश्ड ही हैडंट वेंट टू थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस. जब हैडंट इस्तेमाल हो रहा है तो हैडंट के साथ में गो वेंट गॉन की गॉन वाली फॉर्म आएगी. ही हैडंट गॉन. तो दर्शन ने चाहा, दर्शन सोच रहा था कि काश वो थीम पार्क के अंदर गया ही नहीं होता. सो दर्शन विश्ड ही हैडंट गॉन टू द थीम पार्क इन द फर्स्ट प्लेस. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. वेंट की जगह क्या आएगा? गॉन. किरण हैड अ शॉर्ट डैश एज अ राइटर. तो उसने राइटर के तौर पे छोटा सा करियर था. सो ऑप्शन बी करियर इज करेक्ट. अ प्लेस वेयर कॉइन्स
मेडल्स और टोकन्स आर मेड. तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मिंट. हच, हच मतलब होता है लकड़ी का संदूक. हैंगर, हैंगर वो जगह जहाँ पे विमान रखे जाते हैं, विमान रहते हैं. मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग मॉन्क्स वगैरह रहते हैं, मठ होता है. मिंट, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिक्के कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं. टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब खतरा मोल लेना. सो टू फीड पेट्स, पेट्स को खाना खिलाना. टू प्ले विद किड्स, बच्चों के साथ में खेलना. टू लव कैट्स, कैट्स को प्यार करना. टू फेस रिस्क, ऑप्शन डी इज करेक्ट. वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर. इनका यूज मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर से बताती हूँ. चलो, ईच अदर मतलब जब दो लोग हैं तो वो एक दूसरे के लिए बोलेंगे हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. जब दो से अधिक लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे वन अनदर के इस्तेमाल होते हैं कि हम जितने भी लोग हैं हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. ठीक है, तो हेल्प ईच अदर की बजाय क्या आएगा, हेल्प वन अनदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. एन लायन इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स. अ और एन दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अ भी मतलब कि एक है, एन मतलब भी एक है. लेकिन एन के साथ में एक रूल लगता है कि ये वॉवल साउंड्स के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है. वॉवल साउंड्स के साथ में ही इस्तेमाल किया जाएगा. लायन, ल, ल साउंड कहीं से भी वॉवल साउंड नहीं है. वॉवल साउंड होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू. अब ये हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ए की साउंड में जैसे कि एप्पल में ए साउंड आती है, वो होता है ए. ठीक है, एलिफेंट में ए साउंड आती है, इंक में ई साउंड आती है, आउल में ओ साउंड आती है, अम्ब्रेला में अ साउंड आती है. ये होती हैं साउंड्स. ठीक है, तो उसके साथ में एन इस्तेमाल किया जाएगा. तो लायन एक है और एक लायन बताना चाह रहे हैं तो क्या आएगा, अ लायन इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स में से एक लायन की बात कर रहे हैं, तो अ लायन इज द मोस्ट फिरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स, ना कि एन लायन. तो ऑप्शन सी में एरर है. The police have not yet been able to solve the case. It seems to be dash. बोल रहे हैं कि पुलिस अब तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाई है. ऐसा लग रहा है कि ये इन अ नटशेल, इन अ नटशेल मतलब संक्षिप्त में, टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ. टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कुछ नई शुरुआत करना. अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है समस्या जो सॉल्व नहीं हो पा रही. इन अ पिंक, इन अ पिंक मतलब हेल्दी. सो ऑप्शन ए, अ हार्ड नट टू क्रैक. ये लग रहा है कि ये केस एक हार्ड नट टू क्रैक है, बड़ा जटिल केस है. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.